मेरा तुमसे मिलना नहीं है। अरे बाप रे, हनी सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उसी के साथ उन्होंने माफी भी मांगी है। किससे, क्यों और क्या खुलासा किया है, चलो जानते हैं पूरा डिटेल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाकये की जो हाल ही में इंटरनेट पर छाया हुआ है। ये किस्सा मशहूर सिंगर रैपर योयो हनी सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दिया जिसके सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के नीचे कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है, चलो मैं बताती हूँ आपको आगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। हनी सिंह का मैशेबल पर इंटरव्यू आया, देखेंगे, एक्साइटेड मैं। लंबोर्गिनी चलाई जाने ओ। सिंगर का नाम क्या? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो दरअसल बात यह है कि हनी सिंह ने और हमारे जैसे कई लोगों ने ये गाना तो जरूर सुना है, लंबोर्गिनी चलाए जाने हो, लेकिन हम में से कोई भी इसके सिंगर का नाम नहीं जानता है। इवन हनी सिंह जैसे दिग्गज को नहीं पता था कि उस सिंगर का नाम क्या है, जिसकी आवाज ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। देखिए इस सिंगर का नाम है रागिनी टंडन और इसी के वीडियो पर जो रील हमने देखी इस पर हनी सिंह ने कमेंट करते हुए देखिए, ऐसे में उन्होंने रागिनी से माफी मांगते हुए लिखा और एक बहुत ही बड़ा खुलासा भी किया है। हनी सिंह ने कहा कि ये आपकी गलती नहीं है, ये इंडस्ट्री की गलती है। उन्होंने रागिनी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके बाद रागिनी ने उनके इस कमेंट का क्या रिप्लाई किया है ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और क्या खुलासा किया है चलो जानते हैं। रागिनी ने कमेंट किया और कहा कि वो हनी सिंह के म्यूजिक की सराहना करती है और इंडस्ट्री में उनका जो योगदान है उसके लिए उन्हें सम्मानित भी करती है। इसके बाद रागिनी टंडन ने ये सुझाव भी दिया शायद अब हम लोग कोलैब कर सकते, क्योंकि ये उनके फैंस की एक लोकप्रिय डिमांड है।